हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि चैप्टर 2 का है। वो किसका है? DSC 3 सेमेस्टर 6 का। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्व द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है हुज रूट्स आर इन HP, जिसका रूट HP में है। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, मीन्स रूट जो हमारा होगा वो 3 रूट्स निकलेगा। इससे पहले मैं 1 से लेकर 12 तक करा चुकी हूँ, अगर उस किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके देख सकते हैं। देन देखिए ये हमारा 13 है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन हम इसमें क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? 81x³ - 18x² - 36x + 8 = 0। देन सम ऑफ ऑल रूट्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, देन वी हैव लिखेंगे, देन वी हैव क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता होगा। एक्चुअली हमको लगता है कि सभी को पता होगा कि कैसे निकाला जाता है इसका। ठीक है, तो देखिए माइनस कोफिशियंट ऑफ a₁/a₀, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18/a₀ क्या है हमारा? 81, ये कैंसिल आउट होगा एक्चुअली में, तो 2/9, ये 9 से कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। देन फिर क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा -36/81, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से ही, तो ये इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं इसको। एंड देन अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू देखिए ये होगा -8/81, ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं। देन फिर क्या करेंगे कि सिंस अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा है वो रूट्स है, वी द रूट्स, देन देखिए देन क्या कि बीटा का जो हमारा वैल्यू होता है वो हो जाएगा 2α/γ/α+γ की होता है। देन फिर क्या करेंगे देखिए, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, अल्फ़ा प्लस गामा है तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस देखिए बीटा गामा, या फिर आप बीटा अल्फ़ा भी ले सकते थे, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2α/γ। ठीक, देन अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाते हैं कि कुछ वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सके। जैसे इक्वेशन 2 में हमारा है, इक्वेशन 2 दिख रहा होगा आपको, इक्वेशन 2 में है, तो जैसे कि अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा, और बीटा गामा है बीटा गामा है। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा गामा इधर हम एडिंग कर देते हैं और इधर भी हम एडिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस हम अल्फ़ा गामा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 2α/γ ऑलरेडी है ही इधर, और इधर ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी एडिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड में एडिंग करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, प्लस हम अल्फ़ा गामा एडिंग कर देते हैं, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, देखिए इसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -4/9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या देखिए इधर 2α/γ, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा गामा मीन्स क्या 3α/γ हो जाएगा, 3α/γ हो गया। ठीक, देन अब हम अल्फ़ा गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो अल्फ़ा गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए, अल्फ़ा गामा का वैल्यू हम अगर निकालें, अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो और ऑलरेडी ये माइनस में है तो इधर ही रहेगा माइनस में ही रहेगा, -4/27, ये अल्फ़ा गामा का वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन हम 4 कंसीडर कर लेते हैं। देन देखिए अल्फ़ा गामा का वैल्यू निकल चुका है, मीन्स हम अल्फ़ा गामा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा इजीली, तो चलिए हम बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा गामा इन किस में, 3 में पुट करते हैं, वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखिए अल्फ़ा गामा मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा ओनली फॉर हो जाएगा बीटा -4/27 इक्वल टू क्या -8/81 ये हो जाएगा हमारा। देन देखिए
यहाँ पे, ठीक है कि बीटा है और ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकाले तो जैसे कि बीटा इक्वल टू हम लिख देते हैं, बीटा इक्वल टू ये हमारा एच है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 27 ऊपर की हो जाएगा, देन यहाँ नीचे 81 है और ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज 4। अब हम कैंसिल कर सकते हैं 4 टू टाइम्स में, और 27 है जो कि 3 टाइम्स में जा रहा है, ये 27 से 81 3 टाइम्स में जाएगा, मीन जो वैल्यू हो जाएगा बीटा का 2/3 हो जाएगा। देन देखिए बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकला है, देन हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू अब हम निकालते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 वी हैव, देखिए 1 से क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3 प्लस गामा इक्वल टू क्या है हमारा 2/9 है ये है। देन अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जा रहा है हमारे पास 2/9 माइनस 2/3, देन फिर 9 देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम तो 2 - 3 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -4/9, अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू -4/9 हो गया। देन फिर आगे देखते हैं, देखिए नाउ अब हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा गामा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस गामा मीन्स अल्फ़ा प्लस गामा, तो ये जो हमारा अल्फा प्लस गामा का जो वैल्यू आया है सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे तो -4/9 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा गामा का जो हमारा वैल्यू आया है वो क्या आया था -4/27, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 4 है तो यहाँ से वैल्यू आया था, ठीक, तो ये वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -4/27। तो देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा तो माइनस का स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा 16/81 हो जाएगा, 16/81 एंड देन ये हमारा माइनस माइनस प्लस ये भी 16/27, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 81 एलसीएम होगा, 81 एलसीएम हो गया, तो ये 16 और प्लस हमारा देखिए ये 27 × 3 = 81 होता है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 तो 48 हो गया, फिर ये दोनों एडिंग तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा / 81। देन फिर अब हम क्या करेंगे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 64/81 हमारा निकला, ठीक। देन अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर क्या निकलेगा, ये स्क्वायर रूट में इधर चला जाएगा मीन 64/81 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस गामा का जो वैल्यू है ये देखिए किसका स्क्वायर 8 का और ये हमारा 9 का, तो ये वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन हम 6 कंसिडर कर सकते हैं। देन सॉल्विंग देखिए अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 8/9 और एक आया था हमारे पास क्या इक्वेशन 5, देख सकते हैं इक्वेशन जो हमारा 5 था वो क्या था, इक्वेशन 5 अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू -4/9, तो ये इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखिए 5 था हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू -4/9 और अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 8/9, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -4/9 प्लस 8/9, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4 हो जाएगा, एलसीएम तो 9 ही देगा तो 4/9 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 2/9 हो जाएगा, 2/9 कैसे हुआ ये 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये न्यूमिनेटर में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर
तो देखिए टू यहाँ से कैंसिल आउट हो, टू से कैंसिल आउट होगा फोर, तो टू टाइम्स में होगा, तो ये हो गया हमारा टू बाई नाइन, अल्फ़ा का वैल्यू टू बाई नाइन हो गया। देन फिर अब हम क्या करेंगे, पुटिंग अल्फ़ा का वैल्यू हम अगर पुट कर दें फोर में, जो इक्वेशन था अल्फ़ा और गामा का वैल्यू था, देखिए इक्वेशन फोर अल्फ़ा और गामा का वैल्यू, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू हमारा इजीली निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन हम मान सकते हैं सेवन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन किस में पुट कर रहे हैं फोर में, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू था टू बाई नाइन और यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या माइनस फोर बाई ट्वेंटी सेवन, ये हमारा वैल्यू है। देन देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, गामा इक्वल टू क्या माइनस फोर इंटू नाइन और ये हमारा ट्वेंटी सेवन इंटू टू, तो टू टू ये हमारा कैंसिल आउट, ये थ्री टाइम्स मीन्स क्या माइनस टू बाई थ्री हो गया गामा का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू, तो अल्फ़ा बीटा गामा, और बीटा का देख सकते हैं कि देखिए ये अल्फ़ा का देन बीटा का जो हमारा वैल्यू निकला था टू बाई थ्री निकला था और अल्फ़ा का भी निकल गया गामा का भी निकल गया, लेकिन द रिक्वायर्ड रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा था, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास टू बाई नाइन, यहाँ पे ले लेते हैं टू बाई नाइन, बीटा का वैल्यू हमारे पास आया है टू बाई थ्री, देखिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है टू बाई थ्री, ठीक है देख सकते हैं। देन यहाँ पे गामा का वैल्यू है माइनस टू बाई थ्री, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, मीन्स रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, ठीक, देखिए सॉल्व द इक्वेशन, ये हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ है हुज रूट्स आर इन ए पी, जिसका रूट्स ए पी में है, तो देखिए एक्स का पावर फोर है, मीन्स देखिए ए पी का एक्स का पावर फोर वाला क्वेश्चन एक बार मीन्स इससे पहले आया हुआ है क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, अरे इसमें भी देखिए इसका फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। द गिवन इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन एक्स का पावर फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, और ए पी में है, मीन्स क्या कि इसका जो रूट लेंगे तो वो किस टाइप का लेंगे, देखेंगे लेट क्या, देखिए अल्फ़ा माइनस थ्री डेल दिए थे, ठीक है, और अल्फ़ा माइनस डेल लिए थे, फिर इसका पॉजिटिव टर्म लिए थे, ये नेगेटिव टर्म, देन अल्फ़ा प्लस डेल लिए थे और अल्फ़ा प्लस थ्री डेल लिए थे, ये बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, देन वी हैव क्या होगा हमारे पास, देखिए वी हैव, ठीक, जैसे कि सम ऑफ ऑल रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस थ्री डेल प्लस अल्फ़ा माइनस डेल, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा कि अल्फ़ा माइनस थ्री डेल, फिर अल्फ़ा प्लस में, फिर अल्फ़ा माइनस डेल, फिर प्लस अल्फ़ा प्लस डेल, फिर ये हमारा प्लस अल्फ़ा प्लस थ्री डेल, ठीक है, इक्वल टू क्या, ये तो पता होगा निकालने के लिए, तो ये हमारा एट हो जाएगा। देन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्म, वन टू थ्री फोर टाइम्स हो गया, तो फोर अल्फ़ा इक्वल टू हमारा एट हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे टू हो जाएगा, सो इक्वेशन वन हम कंसिडर कर लेते हैं। देन फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ओके यहाँ पे क्या निकालेंगे कि दो रूट का प्रोडक्ट का फिर सम, मीन्स क्या हो गया कि अल्फ़ा माइनस थ्री डेल, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या था कि अल्फ़ा माइनस डेल, ये दोनों का प्रोडक्ट फिर सम करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा माइनस थ्री डेल और अल्फ़ा प्लस डेल का प्रोडक्ट, फिर अल्फ़ा माइनस थ्री डेल और एक बच गया क्या कि अल्फ़ा प्लस थ्री डेल, ये हो गया, फिर प्लस करेंगे अल्फ़ा माइनस डेल और अल्फ़ा प्लस डेल इसका प्रोडक्ट, फिर अल्फ़ा माइनस डेल
और अल्फ़ा प्लस थ्री डेल का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे अल्फ़ा प्लस डेल का और अल्फ़ा प्लस थ्री डेल का, ये फाइनली इतना का प्रोडक्ट होगा। टू टू का टू रूट्स का प्रोडक्ट फिर देन सम इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ तो ये हमारा 14 हो जाएगा। देन इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 डेल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 14 हो गया। इसको इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देन देखिए फिर क्या कि पुटिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू जो हमारा आया है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं कि देखिए डेल का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। और ओनली फॉर क्या निकालना है, अल्फ़ा और डेल का ही वैल्यू निकालना है और हम रूट्स जो कंसिडर किए थे उसमें पुट करके मेरा रिक्वायर्ड रूट्स निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन किस में पुट करना है, 2 में वी गेट, देखिए 6 है अल्फ़ा का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस 10 डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा 14। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 × 6 = 24 माइनस 10 डेल स्क्वायर इक्वल टू 14। देन माइनस 10 डेल स्क्वायर और ये हमारा 14 है और ये इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो माइनस डेल 10 डेल स्क्वायर, देखिए इसमें हम माइनस करेंगे तो माइनस हमारा 10 बचेगा, माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 भी कैंसिल आउट, ये ओनली फॉर 1 बचेगा। तो डेल का वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 हो गया, डेल स्क्वायर का वैल्यू 1 और 1 का रूट अंडर निकालेंगे, रूट स्क्वायर निकालेंगे तो भी 1 हो जाएगा। देन तो रिक्वायर्ड रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड रूट्स रूट्स आर देखिए अल्फ़ा माइनस 3 डेल लिए थे, फिर अल्फ़ा माइनस डेल लिए थे और अल्फ़ा प्लस डेल और अल्फ़ा प्लस 3 डेल। ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, हमारा 2 आया था माइनस यहाँ पे 3 × 1 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे 2 माइनस यहाँ पे 1 फिर 1 सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 प्लस 3 तो वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 1 और यहाँ पे 1 दिस इज 3 और दिस इज 5, ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन का। देखिए रिक्वायर्ड रूट्स आ गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या है कि देखिए एक्स का पावर 4 है, मीन्स इसका भी 4 रूट निकलेगा, इससे जस्ट पहले भी हम निकाले हैं एक्स का पावर 4 था उसमें 4 रूट, देखिए आंसर यहीं पे है तो 4 रूट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 15, तो सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है हुज रूट्स आर इन जीपी, जिसका रूट्स जीपी में हो। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसका रूट्स क्या था, एपी में था, तो हम किस तरफ का रूट लिए थे पता है आपको, एंड देन जीपी जब रहेगा तो फिर हम रूट्स क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल लेंगे और उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन। इससे पहले 12 का जो 4 था उसका भी यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंस था, कोफिशियंट डिफरेंस था, एक्स का पावर 4 था उसमें भी और उसका रूट्स जो था वो भी जीपी में था। तो 12 का 4 जिसका बन गया होगा तो उसका ये 15 भी बन जाएगा, अगर नहीं बनाया तो इसको देख सकते हैं आप। देखिए लेट्स द रूट्स, रूट्स क्या है, रूट्स हम लेते हैं क्या कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल। ठीक है, अब द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 15x³ प्लस 17x² प्लस 120x प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक, देन फिर क्या इसमें क्या होता है कि देन वी हैव देखिए बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू गामा बाई बीटा इक्वल टू क्या, डेल बाई गामा। फिर ये दोनों को लेते हैं, ये तीनों आपस में इक्वल होता है। ठीक, देन फर्स्ट वाला टर्म एंड थर्ड वाला टर्म को ले सकते हैं,
तो बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू डेल बाई गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा इक्वल टू अल्फ़ा डेल हो सकता है। ठीक, इसको इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस कोफिशियंट ऑफ ए वन बाई ए नॉट होता है तो माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, देन ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा और फिर डेल है उसको एक साथ रख सकते हैं, जैसे अल्फ़ा डेल एक साथ और बीटा गामा एक साथ, तो अल्फ़ा प्लस डेल एक साथ रख सकते हैं और प्लस बीटा प्लस गामा हल टू माइनस 15, इसको इक्वेशन हम टू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देन अब हम देखिए क्या करेंगे, नाउ अब दो रूट का प्रोडक्ट फिर देन सम, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल प्लस क्या हो जाएगा बीटा गामा प्लस बीटा डेल। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा गामा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 70 हो जाएगा। देन फिर क्या इसमें क्या जो इक्वेशन वन है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, बीटा गामा का जो वैल्यू है, बीटा गामा का वैल्यू यहाँ अल्फ़ा डेल हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा डेल हम यहाँ पे अल्फ़ा डेल लिखे, अल्फ़ा डेल या डेल अल्फ़ा भी हो सकता है दोनों का, देखिए 3 × 2 लिखे या 2 × 3 लिखे तो वैल्यू तो हमारा सेम ही आएगा, 6 ही आएगा। देन देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल प्लस यहाँ पे बीटा गामा का वैल्यू अल्फ़ा डेल प्लस बीटा डेल प्लस गामा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 70। देन अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस ये दोनों को पहले लिख लेते हैं, तो बीटा डेल प्लस गामा डेल इक्वल टू 2, देखिए अल्फ़ा डेल इक्वल टू 70। ठीक है, देन यहाँ से क्या करेंगे कि अल्फ़ा हम कॉमन आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन आउट कर लेंगे तो देखिए ये हमारा वैल्यू रहेगा, चलिए कॉमन आउट करते हैं, अल्फ़ा यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बचेगा हमारे पास बीटा प्लस गामा प्लस, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि डेल हमारा कॉमन आउट हो जाएगा तो बीटा प्लस गामा बचेगा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 70, ये वैल्यू हो जाएगा देख सकते हैं। देन फिर अब क्या होगा, देखिए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है बीटा प्लस गामा भी कॉमन आ रहा है तो बीटा प्लस गामा यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और अल्फ़ा प्लस डेल यहाँ से ये हो गया प्लस 2 अल्फ़ा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। ठीक, देन अब हम क्या इसको इक्वेशन हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, नाउ अब 3 जो 3 रूट है उसका प्रोडक्ट देन सम करेंगे एंड अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा डेल प्लस अल्फ़ा गामा डेल प्लस बीटा गामा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा -120, सो कोफिशिएंट -120 हो जाएगा। देन देखिए इसको इक्वेशन हम 4 कंसीडर कर लेते हैं एंड फाइनली क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स मींस क्या कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल का चारों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है हमारा 64 हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पे क्या था कि बीटा और गामा का जो वैल्यू था वो अल्फ़ा डेल था तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा डेल लिखेंगे और इधर बीटा गामा इक्वल टू 64, तो इसका वैल्यू ये था मीन्स अल्फ़ा डेल और अल्फ़ा डेल इक्वल टू 64 मीन्स अल्फ़ा डेल का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, तो अल्फ़ा डेल का जो हमारा वैल्यू आएगा वो 8 आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इसलिए देन हम देखिए यहाँ इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 5, यहाँ 4 तक हो गया था अब 5 हो जाएगा। देन ठीक है कि पुटिंग ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 जो हमारा आया था इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ऊपर में ही, तो पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा डेल
इन किस में, थ्री में वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए। यहाँ पे क्या था कि बीटा प्लस गामा था एक, ठीक है, और अल्फा प्लस डेल था, ये दोनों प्रोडक्ट में था, और प्लस क्या कि टू अल्फा डेल, मीन्स क्या कि टू इंटू एच इक्वल टू ये हमारा 70 था। तो बीटा प्लस गामा एक हो गया और अल्फा प्लस डेल ऐसा हो गया इक्वल टू देखिए 70, और ये हमारा क्या माइनस हो जाएगा 16, ठीक है 16 हो गया, ठीक है। देन इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये पहले ले सकते हैं अल्फा प्लस डेल और बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 और 6 में 1 5, ये हमारा हो गया 54। इसको इक्वेशन हम 6 कंसीडर कर लेते हैं, 5 तक गया 6 कंसीडर कर लिए। देन देखिए इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे y, लिखेंगे लेट अल्फा प्लस डेल इक्वल टू x एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू y, ठीक है गामा। देन फ्रॉम किस से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, जो हमारा इक्वेशन 2 था वो क्या था, सेम यही था अल्फा प्लस डेल और प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है तो इससे सेम वही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 वी हैव, देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पे पुट कर देंगे ओनली फॉर अल्फा प्लस डेल जहाँ था वहाँ पे एक्स पुट करेंगे और बीटा प्लस गामा जहाँ पे है वहाँ पे वाई पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 जो हमारा है वो क्या है, देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 15, और इक्वेशन हमारा 6 जो है यही पे, तो ये मल्टीप्लाई में मीन्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू 54, दिस इज एक्स वाई इक्वल टू 54 हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम 7 मानेंगे, इसको इक्वेशन हम 8 कंसिडर करेंगे, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं कि वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम 8 वी हैव, देखिए क्या होगा, वाई इक्वल टू 54 बाई एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई एक्स, देन फिर ये जो वाई का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन किस में, 7 में, देन वी हैव क्या होगा हमारे पास, देखिए एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 54 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक 54 बाई एक्स एंड देन ये माइनस 15 हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 15x, तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 15x और ये 54 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 9 6, हाँ ये 9 6 में फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से कॉमन आउट होगा तो एक्स प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ से 6 कॉमन आउट होगा तो एक्स प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। देन देखिए एक्स प्लस 9 एक हो गया और एक्स प्लस 6 हो गया इक्वल टू ये हमारा 0, एक्स का जो वैल्यू है माइनस 9 और माइनस 6 आ गया है। देन अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, देखिए एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे क्या, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 9, एक्स इक्वल टू माइनस 9 लेते हैं, देन देखिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, तो वाई जो हमारा आया था वो क्या था वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या था कि वाई इक्वल टू 54 बाई एक्स था, ठीक है देख सकते हैं 54 बाई एक्स मीन्स एक्स के जगह पे माइनस 9 पुट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 6 टाइम में हो जाएगा
और जो कि माइनस में रहेगा एक, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा हमारे पास। एंड व्हेन x इक्वल टू माइनस सिक्स हो तो क्या हो जाएगा, देन सॉरी यहाँ पे देन, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस नाइन हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। देखिए नाउ अब हम क्या करेंगे, टेकिंग x इक्वल टू माइनस नाइन लेते हैं एंड y इक्वल टू माइनस सिक्स लेते हैं, तो देन वी हैव हमारे पास क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस x का जो वैल्यू निकाले थे, x हम किसे कंसिडर किए थे, लेट मान के हम x कंसिडर किए थे, देखिए जैसे कि यहाँ पे है x अल्फा प्लस डेल इक्वल टू x, तो अल्फा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस डेल इक्वल टू हम x कंसिडर किए थे, तो x का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं माइनस नाइन, ठीक है। देन और बीटा इसको y को किए थे तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस सिक्स, देन फ्रॉम वन से जो हमारा इक्वेशन वन आया था तो उससे क्या होगा, देन फ्रॉम वन देखिए इक्वेशन वन जो हमारा था वो क्या था कि बीटा गामा इक्वल टू अल्फा डेल था, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम वन बीटा गामा इक्वल टू अल्फा डेल, तो बीटा गामा का वैल्यू अल्फा डेल का वैल्यू आया है, तो अल्फा डेल का वैल्यू हमारे पास आया था कहाँ पे आया था अल्फा डेल, हाँ यहाँ पे देखिए अल्फा डेल का वैल्यू हमारा एट आया था, ठीक है। तो अल्फा डेल और बीटा गामा का भी वैल्यू बोल सकते हैं एट, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है इक्वेशन वन के कंसिडर के थ्रू। तो देखिए अल्फा डेल इक्वल टू एट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अल्फा डेल इक्वल टू एट, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम डेल का वैल्यू निकाल सकते हैं या अल्फ़ा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट बाई डेल लिख सकते हैं इसको, ये डिनोमिनेटर में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो हमारा था वो क्या था कि बीटा गामा इक्वल टू क्या माइनस सिक्स, सॉरी बीटा गामा इक्वल टू बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस सिक्स है, बीटा गामा इक्वल टू अल्फा डेल था वो, इसका वैल्यू एट है तो इसका भी वैल्यू एट हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। और यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर गामा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए गामा का वैल्यू निकालते हैं, तो एट बाई बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है देखिए, ये जो अल्फ़ा का वैल्यू आया है इसमें पुट करेंगे और गामा का जो वैल्यू आया है इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा का ही वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे एट बाई फाइव प्लस एट बाई डेल प्लस यहाँ पे डेल इक्वल टू माइनस नाइन, देखिए ये हो जाएगा एट बाई डेल हमारे पास आया है प्लस यहाँ पे ऑलरेडी डेल और माइनस नाइन, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एट प्लस डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन डेल हो जाएगा हमारे पास, ठीक। देन फिर क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए कंसीडर हो गया, डेल स्क्वायर ये प्लस नाइन डेल हो जाएगा और ये प्लस एट इक्वल टू हमारा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये जो है इसका जो हम लाएंगे तो ये देखिए गामा का वैल्यू आया है, मीन्स यहाँ पे बीटा एज इट इज़ रहेगा प्लस गामा एट बाई बीटा हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस सिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू माइनस सिक्स बीटा, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मीन्स क्या कि बीटा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सिक्स बीटा और प्लस एट इक्वल टू ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, फिर डेल का वैल्यू यहाँ से दो आएगा और बीटा का वैल्यू यहाँ से दो आएगा, फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, डेल स्क्वायर प्लस नाइन डेल प्लस एट इक्वल टू जीरो, और बीटा का क्या था कि बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स बीटा प्लस एट इक्वल टू जीरो था, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में टूट जाएगा एट वन, हाँ जल्दी टूटेगा, देखिए डेल स्क्वायर प्लस एट डेल और प्लस डेल प्लस एट इक्वल टू जीरो,
तो डेल यहाँ से कॉमन आउट, तो डेल प्लस एट हो जाएगा, और प्लस वन यहाँ से कॉमन आउट, तो डेल प्लस एट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो गया। फिर डेल प्लस एट और डेल प्लस वन इक्वल टू हमारा जीरो हो गया, ठीक। और यहाँ से देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में टूटेगा, फोर इंटू सिक्स, हाँ एट हो जाएगा। देखिए बीटा स्क्वायर प्लस फोर बीटा प्लस टू बीटा, फोर टू जै एट और सिक्स हो गया, प्लस एट इक्वल टू जीरो। फिर बीटा स्क्वायर यहाँ पे बीटा हम कॉमन आउट लेंगे, तो बीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बचेगा प्लस फोर, और यहाँ पे प्लस टू कॉमन आउट लेंगे तो बीटा बीटा प्लस हमारा फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। देख सकते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सभी को करने आता होगा, तो आप खुद से कीजिएगा। देन देखिए यहाँ पे क्या कि बीटा प्लस फोर ये होगा और बीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया, तो बीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया है माइनस फोर माइनस टू, ठीक है। और यहाँ डेल का जो वैल्यू है माइनस एट माइनस वन, देखिए ये हो गया, ये वैल्यू आया। देन अब हम क्या करेंगे, व्हेन डेल इक्वल टू माइनस वन या माइनस एट कुछ भी ले सकते हैं, पहले को फर्स्ट का देखिए माइनस एट, देन क्या हो जाएगा, जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे इसको, अल्फ़ा और डेल, देखिए जो हम ये माने थे यहाँ पे था कुछ अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू माइनस नाइन, ठीक है एक्स का वैल्यू माने थे, तो देखिए अल्फ़ा प्लस डेल मीन्स क्या कि डेल का वैल्यू हम माइनस एट मान चुके हैं, यहाँ पे माइनस एट, तो माइनस एट है तो उधर चला जाएगा प्लस एट में हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो ओनली माइनस वन हो गया। फिर व्हेन डेल इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, देन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वन हो जाएगा तो उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, मीन्स माइनस एट हो जाएगा, देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। एंड देन व्हेन बीटा इक्वल टू माइनस फोर हो तो क्या हो जाएगा, देन देखिए बीटा और गामा का वैल्यू था, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, देखिए गामा इक्वल टू माइनस टू। एंड व्हेन बीटा इक्वल टू माइनस टू हो देन गामा इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक। देन हम क्या करेंगे कि द रिक्वायर्ड रूट्स जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, तो रिक्वायर्ड रूट्स आर, देखिए अल्फा का वैल्यू अल्फा क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल चारों आ चुका है यहाँ पे, तो हम जो वैल्यू लेंगे तो वो कैसे लेंगे, जैसे कि अल्फ़ा का वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं, तो बीटा का वैल्यू भी यहाँ से लेना पड़ेगा फर्स्ट वाला टर्म, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए तो क्या होगा कि हम जो रिक्वायर्ड रूट्स लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा डेल माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस वन, ठीक है, एंड देन माइनस टू और फिर माइनस फोर एंड देन माइनस एट, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन रहेगा।